हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशिक्स इंग्लिश वर्ल्ड सीबीएसई इजी वे। यस्टरडे वी स्टडीड द चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग एंड वी स्टडीड दैट हाउ टू पीपल फ्रॉम बांग्लादेश द प्लेसेस अराउंड ढाका दे माइग्रेट टू द एरिया नियर दिल्ली कॉल्ड सीमापुरी एंड दे डू मीनियल टाइप ऑफ जॉब्स लाइक रैग पैकिंग। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट लेसन इज I want to drive a car. This lesson is about the bangle making industry of Firozabad. So, पिछले चैप्टर में हमने अनीश जंग के द्वारा लिखा गया द लॉर्ड स्प्रिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें कि साहिब आलम नाम का बच्चा जिसका परिवार बांग्लादेश से आकर के दिल्ली के सीमापुरी में सेटल हो गया, उसके जैसे हज़ारों परिवार थे वहाँ पर जो बस गए थे, वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं उसके बारे में हमने पढ़ाई की। अब हम फिरोज़ाबाद की चूड़ी उद्योग, फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, उसमें गरीब लोग, गरीब परिवार किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से देश में बाल मजदूरी की समस्या है। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Mukesh इस बात पर जोर देता है कि वो किसी की नौकरी करने के बजाय खुद का मालिक बनेगा। वो कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। Do you know anything about cars? I ask. Author ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ मालूम है? I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes. तो उसने जवाब दिया कि वो कार चलाना सीख लेगा, लेखक लेखिका की आंखों में देखते हुए उसने कहा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad. उसका सपना एक मृग मरीचिका की तरह दिखता है, एक मिराज की तरह दिखता है, जो कि फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों पर पाई जाती है। फिरोजाबाद का शहर बैंगल्स के लिए काफ़ी फेमस है। फिरोजाबाद सिटी इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। तो ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक केंद्र है, जहाँ पर परिवारों ने चूड़ी बनाने की भट्टियाँ, यहाँ पर कांच को पिघलाया जाता है, उसके काम में जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं, जनरेशंस बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि वो कांच को जोड़ते हैं और कांच को जोड़ करके इस पूरे देश के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। तो फिरोजाबाद में ही पूरे देश के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है, चूड़ी बनाने वालों में से एक है। मुकेश का परिवार भी चूड़ी बनाने का काम करता है। नन ऑफ देम नो दैट इट्स इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। उनमें से, उसके परिवार में से किसी को भी ये नहीं मालूम कि मुकेश जैसे बच्चों के लिए कांच पिघलाने की भट्टियों में, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी, उसमें हाई टेम्परेचर की भट्टियों में जिसका तापमान बहुत ऊंचा रहता है, वहाँ पर काम करना छोटे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। इट्स इलीगल इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो छोटे छोटे कमरे जैसे बने हुए, छोटे छोटे रूम्स जैसे बने हुए, जो कोठरियाँ बनी हुई छोटी छोटी, जिसमें कोई एयर और कोई लाइट नहीं होती। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर कानून को सही तरीके से लागू किया गया तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 बच्चों को उन कांच को पिघलाने वाली भट्टियों
के पास से, वहाँ से उनको, यहाँ कि वो अपने पूरे दिन बिता देते हैं, पूरा दिन स्पेंड कर देते हैं, वहाँ से उनको निकाला जाएगा, निकाला जा सकता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइस, और वहाँ पर कांच की भट्टियों पर काम करते हुए ये बच्चे अक्सर अपनी आई साइट खो देते हैं, अक्सर उनकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, निगाह कमज़ोर हो जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है, या आंखें खराब भी हो जाती हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, या मुकेश लेखक लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए कहता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, अपने घर के बारे में मुकेश बड़े गर्व के साथ कहता है कि उसका घर बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स वॉबली डोर्स नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट। तो हम लेखिका और मुकेश फिरोजाबाद की बदबूदार गलियों में से, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार गलियों में से, जो कि गलियां कचरे से भरी हुई हैं, चोक विद गार्बेज पास्ट होम्स, और उन घरों के पास से वो निकलते हैं जो कि छोटी छोटी झोपड़ियों की तरह हैं, जिनकी वॉल लगभग गिरने ही वाली है, टूटी फूटी वॉल्स हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी वॉल्स गिरने वाली हैं, वॉबली डोर्स और उनके हिलते हुए दरवाजे जिसमें खिड़कियां नहीं हैं, और वो जो छोटे छोटे जो घर हैं, जो झोपड़ियां जैसे, वो फैमिलीज परिवारों से, आदमियों से और एनिमल्स से भरे हुए हैं, उनमें ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की भीड़ है। पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, जैसे आदिकाल में लोग रहते थे, उस तरीके से ये एनिमल्स और मनुष्य, मानव दोनों साथ साथ उन छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इस प्रकार के एक घर के दरवाजे पर वो रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पैर से हिलते हुए लोहे के दरवाजे पर वो एक जोर से ठोकर देता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको खोल देता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, तो एक हाफ बिल्ट आधे बने हुए एक मकान में हम प्रवेश करते हैं लेखिका और मुकेश। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, और उस मकान का एक हिस्सा घास फूस के छप्पर से ढका हुआ है। और वहाँ पर इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहाँ एक कोने में चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ज़मीन पर बड़े एल्यूमिनियम की प्लेट्स में कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग दैट इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमज़ोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एट द बहू, हालांकि उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन उसको घर में एक बहू के रूप में सम्मान मिलता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और वो घर के तीन आदमियों का ध्यान रखती है, मुकेश, मुकेश के फादर और उसके पति का। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स अ वेल क्लोजर टू हर फेस, और जब बूढ़ा व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, जब बुजुर्ग आदमी अंदर आता है, तो वो धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और चेहरे पर पर्दा ले लेती है, घूंघट ले लेती है चेहरे पर, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि वहाँ का रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, तो बड़े मेल एल्डर्स के सामने
बहुओं को अपने घूंघट करना चाहिए, ऐसा वहाँ का रिवाज है। इन दिस केस द एल्डर मैन इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो घर का बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो एक गरीब पुअर चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। उसने, मुकेश के पिता ने काफ़ी वर्षों तक बहुत कड़ी मेहनत की। पहले वो उसने टेलर का काम किया, फिर उसने चूड़ी बनाने वाले का काम किया, लेकिन वो अपने घर को रिपेयर नहीं करवा पाया, अपने घर का पुनर्निर्माण नहीं करवा पाया, दोबारा से घर को रेनोवेट नहीं कर पाया, और वो अपने दो बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। ये सब गरीबी की वजह से हुआ। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वो सिर्फ इतना ही कर पाया जो कि वो जानता था, जो उसे आता था वही अपने बच्चों को उसने सिखाया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला उसने अपने बच्चों को सिखाई। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो मुकेश की माँ ने कहा ये उसका कर्म है, उसका नसीब है। डेस्टिनी मीन्स नसीब। मुकेश की ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी ने कहा उसने अपने पति को चूड़ियों पर पॉलिश करते करते अंधे होते देखा था। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, जो ईश्वर की दी हुई जो परंपरा है, जो विरासत है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वो जोर दे करके कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, उसने कहा हमारा जन्म चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में, चूड़ी बनाने वालों की जाति में हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और बचपन से ही उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा चूड़ियों, कांच की चूड़ियों के अलावा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, अपने आंगन में, अपने घर में, हर किसी के घर में सिर्फ उन्होंने बचपन से चूड़ियाँ ही देखी है। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद की हर स्ट्रीट में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आएंगी। फिरोज़ाबाद का सबसे बड़ा उद्योग चूड़ियों बनाने का उद्योग है, बैंगल मेकिंग। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो। तो कई रंगों की चूड़ियाँ होती हैं, सुनहरी रंग की चूड़ियाँ, धान के रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, ब्लू कलर की चूड़ियाँ, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, बैंगनी रंग की चूड़ियाँ, और इंद्रधनुष के सभी रंगों की चूड़ियाँ वहाँ पर होती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडकार्ट्स। वो चूड़ियाँ बिना देखभाल किए, बिना साफ किए हुए आंगन में एक ढेर के रूप में पड़ी रहती हैं और चार पहियों वाले ठेले पर रखी रहती हैं। पुश्ड बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और वो युवा लोग उसको फिरोज़ाबाद के एक छोटे से गंदे से शहर की गलियों में उस हाथ की गाड़ी को, उस ठेले को धक्का मारते हुए उन चूड़ियों को यहाँ से वहाँ ले जाया करते हैं। इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और छोटी छोटी झोपड़ियों में बहुत सारी ऑयल की लैम्प जलती रहती हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां अपने पिता और माता के साथ वहाँ बैठे रहते हैं। एंड वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, वो रंगीन कांच के टुकड़ों को गोल गोल चूड़ियों में जोड़ते हैं, गोल गोल चूड़ियों का रूप उसको देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट हो जाती हैं, अंधेरे की ज़्यादा उनको आदत पड़ जाती है बजाय बाहर की रोशनी के, क्योंकि वो अधिकतर अपना काम अंधेरे कमरों में ही, घर में ही बैठ करके करते हैं। उन्हें बहुत कम वक्त मिलता है कि वो बाहर जाकर के बाहर का उजाला देख पाएं। दैट्स व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स,
इसलिए युवा होने के पहले ही वो उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता नाम की एक युवती जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, एक बूढ़ी महिला के पास बैठी होती है वो, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ मैकेनिकली चल रहे थे जैसे कि मशीन की चिमटी चलती है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। लेखिका ने सोचा कि शायद उसको इन चूड़ियों का महत्व मालूम है, उनकी इम्पोर्टेंस मालूम है जो चूड़ियाँ वो बनाने में सहायता करती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। चूड़ियाँ विवाह में एक सुहाग की निशानी होती है, एक शुभ चीज़ मानी जाती है उसको। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन अ हैड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल। ये वाली बात उसको अचानक उस दिन पता लगेगी जब उसके सिर पर लाल रंग का घूंघट आ जाएगा, अर्थात उसकी शादी हो जाएगी। जब उसको इन चूड़ियों का महत्व पता लगेगा, उसकी इम्पोर्टेंस मालूम होगी। द हैंड्स रेड डाइड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन टू हर रिस्ट। और जिस समय उसका विवाह होगा तो उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ चढ़ी हुई होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो बूढ़ी महिला उसके पास बैठी थी वो कई वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उस बूढ़ी महिला के हाथों में आज भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। वो बूढ़ी महिला अपनी उदासी भरी आवाज़ में कहती है कि एक वक्त उसने शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर का मतलब, शेर एक ओल्ड पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ का वज़न जो किया जाता था, जैसे अपन किलो के किसी चीज़ को किलो कहते हैं, उस प्रकार से उसको शेर कहा जाता था। शेर 1 किलो से कुछ कम वज़न होता है, करीब 950 ग्राम के लगभग। ठीक है, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन 1 full meal इन द एंटायर लाइफ टाइम। उसने पूरे लाइफ टाइम में एक वक्त भी भर पेट खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, उसको ये मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसके हस्बैंड ने, उसका पति जो कि बड़ी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने परिवार के रहने के लिए एक घर ही, मकान ही बना पाया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात सुन करके कोई सोच सकता है कि क्या उसको वो मिल पाया है जो कि बहुत लोगों को अपनी लाइफ टाइम में, अपने जीवन में जो प्राप्त नहीं कर पाते, क्या उसने वो प्राप्त कर लिया है। He has a roof over his head. और उस बुज़ुर्ग आदमी के सिर पर कम से कम छत तो है। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत भी नहीं है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. हर घर में से यही आवाज़ आती है कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम कर सकें। उनके पास पर्याप्त खाने के लिए भी पैसा नहीं होता। The young man echo the lament of the elders. और युवा आदमी, युवक भी अपने बड़े बुजुर्गों की, बड़े लोगों की दुख को दोहराते हैं, उनकी दुख भरी बातों के बारे में शिकायत करते हैं, उसको दोहराते हैं, उनका भी वही दर्द है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, वक्त बीतने के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। इट सीम्स इन फिरोजाबाद,
ऐसा लगता है फिरोजाबाद में वक्त बीतने के साथ भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। बरसों की कड़ी मेहनत जिससे दिमाग काम करना बंद कर देता है, उन्होंने उनके एंथुसियाज्म को, उनको कोई भी काम करने के इनिशिएटिव लेने के प्रयास को, कोई शुरुआत करने की उनकी उत्साह को और सपना देखने की उनकी सामर्थ्य को समाप्त कर दिया है। उनका दिमाग एकदम सुन्न हो गया है, उनका दिमाग एकदम कुंठित हो गया है, उनका दिमाग कुछ भी नहीं सोच पाता। उनकी मेहनत ने उनको इस प्रकार का बना दिया है। उनकी स्किल, उनकी कार्यकुशलता सब समाप्त हो गई है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इंटू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। लेखिका ने उससे कहा कि लेखिका ने वहाँ पर कुछ यंग लोगों का समूह था, यंग आदमियों का ग्रुप था, उनसे कहा तुम लोग एक सहकारी समूह क्यों नहीं बना लेते, वो लोग जो कि दलाल ठेकेदार वगैरह के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जिन ठेकेदारों ने, जिन दलालों ने उनके पिताओं को, उनके दादाओं को अपने चंगुल में फंसा लिया है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन, ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम अपने आप को संगठित कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो हम वो हैं जिनको पुलिस खींच करके ले जाएगी, पीटेगी और जेल में ले जाएगी, जैसे कि हमने मानो कुछ गैरकानूनी इलीगल कर दिया हो। वो कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें से कोई भी नेता नहीं है, उनमें से कोई भी उनको लीड करने वाला नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको रास्ता दिखा सके, जो चीज़ों को अलग तरीके से देखता हो। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उसी प्रकार से थके हुए हैं जिस प्रकार से वो थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो काफ़ी एंडलेसली बिना रुके हुए काफ़ी बातें करते हैं गरीबी के बारे में, लालच के बारे में, अन्याय के बारे में। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in web of poverty, burdened by stigma of caste in which they are born. तो उसको दो दुनिया दिखाई देती हैं लेखिका को, एक उस परिवार की दुनिया जो कि गरीबी के मकड़ जाल में फंस चुकी है, जो कि जिस पर जो कास्ट का, जाति प्रथा का जिसके ऊपर एक बोझ है, जिसमें जिस जाति में वो पैदा होते हैं। अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और साहूकारों का क्रूर गठबंधन, साहूकारों का क्रूर सर्कल, उनका क्रूर समूह, उसके बीच में, दलालों के बीच में और पुलिस वाले और कानून के रखवालों के चंगुल में वो लोग फंसे हुए होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और वो लोग ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, सरकारी अधिकारी और नेताओं के, राजनीतिक लोगों के चंगुल में फंसे हुए होते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग अफसरशाही को, अफसरशाही और राजनीतिक लोगों का और पुलिस वालों का, इनको साहूकारों को और दलालों को संरक्षण मिलता है। ये दलाल और साहूकार, दे आर सपोर्टेड बाय ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन एंड कीपर्स ऑफ लॉ। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑफ ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर के क्रूरतापूर्वक इन बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसको कि वो उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक कि वो इस बारे में जान पाएगा, अवेयर हो पाएगा, उससे पहले ही वो इसको नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, इसको सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, जिस प्रकार उसके पिता ने भी स्वीकार कर लिया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने की कोशिश करने का मतलब है कि हिम्मत दिखाना या बगावत करना। अ डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और बगावत करना मुकेश के ग्रोइंग अप का, उसके पालन पोषण का हिस्सा
नहीं है, उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं है। वैन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और मैं जब इस बगावत की चिंगारी मुकेश में देखती हूँ, लेखिका कहती है आई एम चीयर्ड, तो लेखिका बड़ी खुश होती है जब उसको लेखिका को मुकेश के अंदर एक क्रांति की, एक बगावत की चिंगारी नज़र आती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, मुकेश दोहराता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, और वो गैरेज में जाकर के मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। गैरेज वो जगह है जहाँ पर मोटर्स, कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स की रिपेयर की जाती है। आई विल वॉक, वो बोलता है मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो जोर दे करके कहता है कि मैं वहाँ पर पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही सडनली साइलेंट, लेखिका ने उससे पूछा क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो, तो वो मुकेश चुपचाप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देखते हुए वो कहता है, वो शर्मा जाता है, वो कहता है नहीं। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरेसमेंट, और लेखिका के इस सवाल पर वो जब आहिस्ता से बड़बड़ाता है नहीं, तो इसमें उसकी परेशानी झलकती है, जैसे कि वो परेशान हो गया हो लेखिका के सवाल पर। दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, वो परेशान हो गया उसके सवाल पर, लेकिन अभी वो अफसोस में, उसका परेशानी एक अफसोस में नहीं बदली। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, वो कार्स को, कारों को देख करके ही संतुष्ट है जो कि कारें फिरोजाबाद की सड़कों पर तोड़ती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एयरप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट एंड अंडरस्टूड इट नाइसली। नाउ वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।